अगर तुम्हारा ऐलाननामा टीवी पर पढ़ा जाए तो ऐसा हो सकता है एक फोन करके हम ये करवा सकते हैं। वैसे अगर वो मेरा ऐलाननामा पढ़े नहीं तो मैं तुम्हें पासकोड बता दूं। इथन, सोचो इथन, हमारे मकसद के बारे में सोचो प्लीज। हाँ सोचो। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। माफी चाहता हूं, मुझे बताया गया है कि हमारे पास कुछ खास जानकारी आई है। मुझे एक दस्तावेज सौंपा गया है किसी परमाणु हथियार विशेषज्ञ नील्स डेथरूम का, जो दावा करते हैं कि अभी जो हमले हुए उसके हथियार उन्होंने ही बनाए थे। मुझे ये ऐलाननामा पूरा पढ़ने के लिए कहा गया है। बेपनाह तबाही के बिना अमन कायम नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही अमन होगा। इंसानियत वैसे ही तबाही की तरफ खींची जा रही है जैसे एक परवाना शमा की तरफ खींचा जाता है। खुद को शांति का दूत कहने वाले जज, सरकार, कानून इंसानियत को खुद से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वैसे अब इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था हो गया।